नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, सीबीएसई बोर्ड 2024 परीक्षा को लेकर लगातार अपडेट दे रहा हूं और आज की अपडेट बेहद ही खास है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की डेट शीट से जुड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। साथियों, बोर्ड ने शेड्यूल तो पहले ही बता रखा था कि बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल महीने में चलने वाली है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से दबाव आया है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का ये तो ध्यान नहीं रखा गया था और इन तमाम दबाव की वजह से सरकार ने उन्हें कहा कि आप डेट शीट में चेंज कर दीजिए। तो साथियों, सूत्रों से माध्यम से जानकारी मिली है तो आपकी परीक्षाएँ पहले करवाई जाएगी क्योंकि अप्रैल महीने में इलेक्शन की वजह से और जेई मेन्स की एग्जाम की वजह से आपकी परीक्षाएँ जनवरी महीने में शुरू होने के चांसेज हैं। लेकिन हो ये भी सकता है कि जो गैप मिला है एक दिन परीक्षा को लेकर, उसे भी कम करके एक दिन में ज़्यादा पेपर करवा कर आपके परीक्षाएं मार्च में कंप्लीट करवा ली जाए। तो साथियों, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की डेट शीट को लेकर देश के लगभग सभी राज्यों ने अपनी डेट शीट जारी करना शुरू कर दिया है। आज गुजरात बोर्ड ने भी अपनी 10वीं और 12वीं बोर्ड की डेट शीट जारी कर दी है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको इस डेट शीट से एक और अंदाजा हो जाएगा क्योंकि इसमें भी तारीखें 11 मार्च से 26 मार्च तक पूरी की पूरी बोर्ड परीक्षा करवाने का बोर्ड ने कह दिया, जो कि देखने लायक होगा क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार से साफ तौर पर हिदायत है कि अप्रैल महीने के अंदर किसी भी हालत में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट भी बदलने वाली है। लेकिन जो भी बदलाव होगा उसकी हर अपडेट आपको इसी चैनल पर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।